इंसिडेंट हुआ ब्लास्ट के मामले में, लगातार जो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देखते हैं आप? तो उसी के लिए आया हूँ, और कोर्ट के परिसर में जो घटना हुई उसके वजह से भी मुझे जुडिशरी का और से भी मुझे रिपोर्ट लेना है, और बाकी ये बहुत ही दुखद घटना है, तो जांच तो चल रही है, तो मैं क्योंकि देश का कानून मंत्री हूँ तो मुझे खुद आकर के देखना जरूरी था, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन पंजाब में जो लगेज भी हो रही है, चलाऊ हो रहा है, अभी अभी मैं जिस काम के लाया हूँ उसको पहले देख लेता हूँ। पंजाब जो है बहुत बड़ा स्टेट माना जा रहा है, और पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह का घटना जो हुए हैं उसको देखना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि मैं इस देश का कानून मंत्री होने के नाते एक कोर्ट परिसर में जो दुखद घटना हुई है उसको नज़दीक से जानना और फिर रिपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आया हूँ। भाजपा 117 सीटों पर लड़ेगी या पंजाब में? अगर मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूँ सर। कारण क्या मान रहे हो कि पंजाब में चुनाव आने वाली 2022 को लेकर ऐसा भी हो रही है, उसको लेकर हो रहा है? देखिए ये घटना हुई है इसलिए मैं आया हूँ, घटना का स्थान जाऊँगा, अधिकारियों से बात करूँगा, वहाँ के जजेस से बात करूँगा, तब मुझे एक नज़दीक से पता चलेगा कि घटना कैसे हुए और इसको आगे हमको क्या करना चाहिए, संज्ञान में लेकर के फिर बताऊंगा। जो भविष्य के लिए देखा जा सकता है, तो मैं पहले तो मैं घटना स्तर पर जाके चीज को देख लेता हूँ। उसको कैसे देखो? कई पिंटू भाजी।